सो हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राज टेक जोन। गाइज, मैं आपका दोस्त मुर्शिद राज वापस आ गया टिकटॉक की स्टेटस का एक और जबरदस्त वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। सो गाइज, आज के इस वीडियो में आपको कुछ इस तरह के वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने अपने फोटो का एक जो है स्लाइड शो बनाया था टिकटॉक पे जाके, जो कि काफ़ी गजब का इफेक्ट आया। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था यार कि इसका ट्यूटोरियल दो, तो ट्यूटोरियल लेकर मैं आ गया हूँ। तो गाइज, इस तरह की वीडियो बेसिकली तब बनती है जब कोई फेस्टिवल आता है। एग्जाम्पल के तौर पर अब कुछ दिनों बाद 2 अक्टूबर में आएगा महात्मा गांधी का, तो उसका फोटो लेके आप बना सकते हो। या आपके पास कोई शादी का, कोई पार्टी का या कोई गैदरिंग का फोटो बहुत सारा है तो आप उसे भी जोड़ के बना सकते हो, काफी गजब लगता है देखने में। तो बिना देरी के चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं और बताते हैं कि इस तरह की वीडियो आखिर बनता कैसे है। तो गाइज, उसके लिए सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि यार वीडियो पहली बार देख रहे हो, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियो ना हर रोज मेरे चैनल पर अपलोड होती है और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो गाइज, मैं आपको बताता चलूं कि इस तरह की वीडियो बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की जरूरत होगी। तो सबसे पहले आपके पास फोटो होना चाहिए, 2 से लेकर 13 तक के बीच में फोटो इसमें यूज होता है, और ये टिकटॉक पे ही ये फीचर दिया हुआ है, तो टिकटॉक से ही बनता है। तो चलो सीधे टिकटॉक पे चलते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे बनाना है। तो टिकटॉक पे चलते हैं। उसके बाद गाइज, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जिस सॉन्ग पे आप बनाना चाहते हो पहले उस सॉन्ग पे आपको जाना है। तो एग्जांपल के तौर पे चलो मैं इसी वीडियो का जो सॉन्ग लेना चाहता हूँ, तो सबसे पहले नीचे आपको सॉन्ग दिखाई देगा, तो इस पे आपको क्लिक करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, यहाँ सेव का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। फिर आपको बैक कर लेना है। अब गाइज, यहाँ पे आपको ध्यान देनी है कि आपके पास पहले से फोटो होना चाहिए, आप किसी फोल्डर में रख लेना। फिर यहाँ प्लस वाले आइकन पे आप क्लिक करना। उसके बाद यहाँ आपका कैमरा जो है वो ओपन हो जाता है। फिर यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आपको मिलता है फोटो टेम्पलेट्स का, तो इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलते हैं, देखो जैसा यहाँ दिखा रहा है कि किस तरह से जो है आपका इफेक्ट आएगा अगर आप फोटो डालते हो, तो बहुत सारे इफेक्ट्स मिलते हैं। तो आपको मैं इस तरह का दिखाने लगा, आप यहाँ पे और भी ट्राई कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है गैलरी ऑफ लव का, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे डेमो भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखो सेलेक्ट फोटो का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना। तो देखो फर्स्ट टाइम जैसे आप करोगे ना तो आपका डाउनलोड होने लगेगा। पहले मेरा डाउनलोड नहीं हुआ क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो पहले डाउनलोड होगा, 1-2 मिनट का टाइम लेगा, या नेट फास्ट आता तुरंत हो जाएगा। फिर यहाँ ऑल वाले पे क्लिक करना, और आपको इस तरह से आपको टोटल फोल्डर्स होगा जिस फोल्डर में आपने फोटोज़ को रखा होगा। तो पहले से एक फोल्डर में आप फोटो रख लेना ताकि आपको चूज़ करने में आसानी हो। तो जैसा कि मैं यहाँ पे स्लाइड शो टिकटॉक बोल के एक फोल्डर में रखा हूँ फोटो, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ से आपको देखो ऊपर में जैसे यहाँ शो हो रहा है अपलोड 2 और 13 फोटो, मतलब 2 या 2 से 13 तक के बीच में आपको फोटो लेना है। तो यहाँ से चलो मैं 1, 2 और इस तरह से आपको मार्क करना है। देखो यहाँ कोने में जो सर्किल नज़र आ रहा है ना, इस पर क्लिक करोगे तो आपको जो है शो होगा। तो इस तरह से जो है आप फोटो को अपने नंबर वाइज चूज़ कर लेना, उसी तरह से फ़ोटो आपका आएगा। तो मैंने 13 सेलेक्ट कर लिया, 13 जैसे सेलेक्ट कर लोगे फिर ओके करना है आपको। फिर यहाँ पे वीडियो प्रोसेसिंग होने लगता है और कुछ इस तरह से जो है आपका ये बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका साउंड नहीं आएगा, साउंड जो है इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो साउंड दिया हुआ है वो साउंड आपको सुनाई देगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ साउंड्स का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे देखो कि टिकटॉक का जो भी साउंड्स है सब यहीं पे आपको दिखाई देगा। तो जैसा कि यहाँ देखो टिकटॉक का जो भी साउंड्स है सभी साउंड्स यहाँ पे सुनाई देगा। आप चाहे तो यहाँ से सर्च कर सकते हो, आपको बहुत सारे साउंड्स मिल जाते हैं। लेकिन आपने जो सेव्ड किया था, जैसा कि मैंने बताया था जिस साउंड पे आप बनाना चाहते हो उसे पहले सेव्ड कर लेना। आपने सेव किया था तो यहाँ सेव्ड का एक टैब शो हो रहा है, इस पर क्लिक करना। फिर आपका साउंड यहाँ पे सुनाई देगा, इस पर क्लिक करना। फिर यहाँ ओके आ जाएगा रेड का, इस पर क्लिक कर देना। बस ये लोडिंग जैसे ही होगा बस आपके साउंड के बैकग्राउंड में देखो वो म्यूज़िक सुनाई देने लगेगा। फिर आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आप चाहे तो कोई इफेक्ट डाल सकते हो, इफेक्ट में जाके आप चाहे तो कोई सा भी इफेक्ट डाल सकते हो। जैसा कि आपको तो पता ही होगा इफेक्ट कैसे डालना है, सिंपली जिस इफेक्ट को डालना है उस पे हाथ को दबा के रखो तो इस तरह से जो है आपका इफेक्ट आने लगे। जैसे कि मैंने गोल्ड का डाला, चलो इस पर करते हैं तो इस पर कलरफुल होगा, इस पर करते हैं तो बटरफ्लाई होगा, यहाँ से करते हैं तो कुछ इस तरह से आएगा। तो आपको तो पता ही होगा ये, तो इस तरह से आप अपना इफेक्ट डाल लेना। फिर आपको सेव कर देना है, फिर यहाँ से आपको जो है नेक्स्ट कर देनी है। और यहाँ पे आपको जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हो, हैशटैग लगा देना, फॉर यू पेज टिकटॉक वगैरह जो भी लगाना है यहाँ से सेट कवर करके, और पब्लिकली आप पोस्ट कर देना। और यहाँ पे देखो सेव टू एल्बम अगर ऑन रहा तो इसका मतलब ये हुआ
कि आपका वीडियो जैसे ही यहाँ पे टिकटॉक पे पेस्ट होगा उसके साथ ही साथ आपके मेमोरी कार्ड में भी ये वीडियो सेव हो जाएगा। तो इसे ऑन रखोगे तो आपके मेमोरी कार्ड में भी एक वीडियो सेव हो जाएगा, उसे आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा सकते हो या किसी को भेज सकते हो। काफ़ी गजब का यार आपको जो है लोगों का रिप्लाई देखने को मिलेगा। फिर यहाँ से सिंपली आपको पोस्ट कर देना, मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया था सो मैं दोबारा पोस्ट नहीं कर रहा। तो गाइज यही थी आज की वीडियो, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हो या पहली बार वीडियो को देखे हो तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा यार। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की और भी आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो सके। और यार दोस्तों के साथ वीडियो भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी दिख के सीख सके। तो गाइज फिर मिलते हैं इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए।